अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल मैंने वीडियो बनाई जो कि इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड थी, और मैंने अर्ज़ किया था कि ये वीडियो लाजमी देखें। जब ये वीडियो लोगों ने देखी तो काफ़ी लोगों की अटैचमेंट इस वीडियो के कंटेंट से थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ उससे अटैच थे। तो उससे रिलेटेड एक ही वीडियो पर आप लोग देख सकते कि अच्छे खासे जो है कमेंट्स आए हैं। अच्छा, ये वीडियो आप लोग पूरी देखें जो मैं अभी बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंटली जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। और मैं कहता हूँ जिसने ये वीडियो नहीं ना देखी वो बड़ा पछताएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, करने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं फर्स्ट कमेंट से स्टार्ट होता हूँ। इराद खान ने कहा है लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, मेल बॉक्स फुल है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हसन भट्ट, इटली एम्बेसी बहुत ही बुरी है, वर्ल्ड की वर्स्ट एम्बेसी इटली। ये इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना ओपिनियन दिया। अच्छा, कामरान अली खुर्शीद, भाई हमारा वीज़ा लग गया है और हमारी 16 जून से पहले ही लीगलाइजेशन हुई थी, 7 जून को, 10 को हमने जेरी में लीगलाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे, क्योंकि हमारा वीज़ा रिक्वेस्ट पहले ही सबमिटेड था। बट एक और बात शेयर करना थी, पेपर लीगलाइजेशन करके उन्होंने मुझे वीज़े की एक और अपॉइंटमेंट दे दी जो सितंबर की थी। अच्छा जी, मैंने तो उनको रिप्लाई करके बोला था कि हमारी वीज़ा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड है और किसी काम की दे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। 4 जुलाई को कॉल आती का पासपोर्ट क्लियर कर लो। मेरे ख्याल से आजकल नौजवान सभी न्यू है और उनको लीगलाइजेशन जल्दी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है, मगर वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी अब में टाइम लग रहा है। ठीक हो गया, जिनके 2 साल नौजवान इशू हुए हैं वो बेचारे अभी तक वेट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही बात है। मैं अक्सर आपसे अर्ज़ करता हूँ कि 16 जून के बाद जिन जिन लोगों की लीगलाइजेशन हुई है ना, उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, लेकिन 16 जून से पहले वाले लोग बड़े परेशान हैं। तो अल्लाह खैर करे, ठीक हो गया। क्राफ्टी ज्वेलरी ने बोला है हमारा 19 मई को वीज़ा सबमिशन हुआ और एक मंथ में ईमेल आई लीगलाइजेशन की। अभी 12 अक्टूबर जो कि अभी बहुत दूर है, लीगलाइजेशन करवानी है, वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। मुझे यार इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, क्या हमारा 19 मई को वीज़ा सबमिश हुआ, एक मंथ ईमेल की लीगलाइजेशन की, जो कि अभी अक्टूबर 12 अक्टूबर जो बहुत दूर है। इट्स मीन कि इनको 12 अक्टूबर की लीगलाइजेशन की आई थिंक अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो यार शुक्र करें कि आपको इतनी दूर की मिल गई है। ठीक हो गया, मेन चीज़ आए बिलावल इकबाल साहब ने कहा ने जो मैसेज किया कि पासपोर्ट की कॉल आई है, किसी को 23 मई को जमा करवाया था। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक हो गया, यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कोई कॉल्स वगैरह आई है, तो इन्होंने बताया 27 मई को इनको कॉल आई है। ठीक हो गया, शानी अली ने 10 जून का अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इनको कॉल नहीं आई। ठीक हो गया, यूनुस खान ने 1 माह हुआ है, इनको भी अभी तक कॉल नहीं आई। ठीक हो गया, अप्लाई किया है कब तक जवाब, अभी इनको भी जवाब आया। अप्रैल मई में जिन्होंने वीज़ा सबमिट करवाया था, किसी को कॉल आई है। अच्छा, जिन जिन लोगों को कॉल्स आजकल आ रही काइंडली वो बता दें। तो ये देखिए, ये जून से इंतज़ार कर रहे हैं, ये मई से वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस वजह से परेशान हैं, इनको कॉल नहीं है। अवैध सीमा, मैंने 15 जुलाई को डॉक्यूमेंट लिए हैं एम्बेसी से, उन्होंने न्योलासा रख लिया, बोला एक हफ्ते में आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल 15 जुलाई, हाँ ठीक है सर, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, डेफिनेटली। आजकल जो जो भी सबमिशन करवा रहे हैं उन्हें हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो ईमेल्स आ जाती है, और जो ईमेल्स आ रही हैं अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे क्लाइंट्स को हमारे सब्सक्राइबर को आई हैं, वो फरवरी 2023 की जो लास्ट ईमेल मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पर आई है। अगर इससे लंबी किसी को मिलती तो लाजमी बताइएगा। ठीक हो गया, तो अली मोहम्मद ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, सलाम भाई मैंने कल एक अपने फ्रेंड की ईमेल की थी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट की, तो जवाब मिल गया। वाह यार, बड़े लकी हो, इतनी जल्दी जवाब मिल गया। अच्छा मिल गया उसको अभी, अच्छा उसको अभी उसने बताया है कि सितंबर की अपॉइंटमेंट दी है, मेरी फाइल को 1 मंथ हुआ लीगलाइज होकर वापस आई है, सिर्फ एक ईमेल कल की, तो 3 बजे मेल आ गई कि अपॉइंटमेंट मिल गई है। यार ज़बरदस्त बड़ी बात है अली मोहम्मद की, अगर ऐसा हुआ है
ये बड़े अर्जाबल कोई अच्छी खबर हमें मिली है। और जो है इट्समीन का इनको अगर मिली, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से मंथ की इनको मिल गई अपॉइंटमेंट, ज़रा डिटेल में आप बता दें तो बेटर होता है। यहाँ पर कन्वर्सेशन लोगों की फिर चल रही है, अगर कोई कन्वर्सेशन है देख सुनना चाहता है वो देखना चाहता है पढ़ना चाहता है पढ़ ले। लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, नहीं यार अभी आजकल नहीं आ रही, तकरीबन काफ़ी दिन हो गया, 15 जून को पासपोर्ट जमा करवाया था, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है, आ जाएगा ना टेंशन ने। ऊपर अभी काफ़ी लोगों ने सबमिशन करवाई हुई, उनमें से भी किसी को नहीं आया। सर एग्रीकल्चर इमिग्रेशन कब ओपन हो रही है यार? ये आप इटली में किसी भी कंपनी से रब्ता करें तो वो अगर आपको इशू करते हैं तो फिर यहाँ से आप जो है वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? किसी को वीज़ा कलेक्शन की कॉल है 10 जून के बाद। अच्छा यार जिन जिन लोगों को वीज़ा कलेक्शन की कॉल्स वगैरह आ रही हैं या आई हैं तो काइंडली वो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा, अल्लाह हाफिज़।